मैं इस वक्त रामपुर में हूँ और यहाँ पर जो है मेरे साथ इस समय साजिद हैं, जो हमेशा खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और उन जवानों को आगे बढ़ाते हैं जो खेलों के प्रति जज्बा रखते हैं। हालांकि हमारे देश के अंदर जो नौजवान हैं वो खेलों से बहुत ही पिछड़ चुके हैं, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है और खेलों से ही सेहत भी बनती है। आपको बता दें, फिटनेस जो है वो खेलों के प्रति रहती है। जो साजिद अली है, ये हमेशा इनकी पहल है कि नशा मुक्त करा जाए, लोगों को जो है खेलों के प्रति जागरूक किया जाए। आज मैं इस समय यहाँ पर हूँ, समीर जो मेमोरियल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। साजिद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खेलों को लेकर जो है लोगों में और युवा पीढ़ी में जागरूक करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी जो युवा टीम है हमारी, युवा नौजवान भाई हैं, दोस्त हैं, सभी से मैं अपील करता हूं कि वो ज़्यादातर खेलों के प्रति और अपने काम हो, पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है पढ़ाई, क्योंकि बिना पढ़ाई के आज के टाइम में सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके बाद जो भी अपना बिजनेस करते हैं या उनके घर परिवार में जो भी काम करते हैं उस बिजनेस को संभालें, उसके बाद ना कि नशे की तरफ ना जा करके खेलों की तरफ ध्यान दें। क्या लगता है आपको, ये किसकी याद में जो है टूर्नामेंट किया? ये हमारे सभी लोग चाहने वाले समीर भाई थे, उनके इंतकाल होने की वजह से समीर टूर्नामेंट रखा गया है उन्हीं की याद में। आज अच्छा लगा आपको यहाँ मैच? किस तरह अच्छा लगा, इतनी गर्मी होने के बाद। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पूरे जिला रामपुर में एक ही दिक्कत है, कहीं भी खेल का मैदान नहीं है। यहाँ देखा आप, दिखाना ही नहीं कैसे कैसे लोग खेल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता भागते हुए पैर में मोच आ जाए, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो इसके लिए लिखेंगे लेटर वगैरह आप खेल के मैदान? बिल्कुल, लेटर लिखा जाएगा कि खेल के मैदान रामपुर में हर विधानसभा में होना चाहिए। और क्या मैसेज आपका लोगों के लिए जो खेलों के लिए आगे बढ़े? सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी भाई हमारे खेलों के प्रति, चाहे वो कोई सा ही फील्ड हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, जो भी खेल खेलने में अगर सोच रखता है तो उस खेल को मैं आगे बढ़े। और मैं चाहता हूँ, दुआ देता हूँ लोगों को कि वो अपने फील्ड में बहुत आगे जाएं। बहुत बढ़िया, मेरे साथ कुछ खिलाड़ी भी हैं, उनसे ही बात करता हूँ। किस तरीके का मैच हो रहा है आयोजन, और मुख्य अतिथि साजिद को बुलाया है आपने? साजिद अली पाशा हमारे बहुत समाज सेवी भी हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, तो क्या लगता है आपको? मुख्य अतिथि जो हमारे साजिद भाई हैं, बड़े भाई हमारे, विधानसभा चमरौली से विधायकी प्रत्याशी रहे हैं और चुनाव लड़े हैं, और ये खेलों को लेकर बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं। जहाँ तक हो सकता है खेलों के लिए बहुत आगे रहते हैं और युवाओं के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि ग्राउंड के लिए मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को ग्राउंड दिलाया जाए। जो भी प्लेयर हो, जिस गेम का भी हो, उस गेम को ग्राउंड दिलाने की कोशिश में इनकी, और ये बच्चों को सम्मान देते हैं, प्लेयर्स को सम्मान देते हैं, ये प्लेयर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने मैच हो चुके हैं समीर टूर्नामेंट मेमोरियल टूर्नामेंट क्रिकेट? समीर मेमोरियल टूर्नामेंट के लगभग पांचवा मैच, फाइनल मैच चल रहा है, ये पांच मैच हो चुके हैं। गाँव की जुटिया गाँव की तीन टीमें बनी थी टूर्नामेंट में, और उसके लिए तीन टीमें बनने के बाद में आज फाइनल का आयोजन हो रहा है। जा चुका है 100%। क्या मतलब, मैं और लोगों से पूछूंगा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, खेलों के प्रति किस तरीके से रुझान होना चाहिए युवा पीढ़ी का? देखिए, युवाओं को सबसे पहले तो सोचना चाहिए, अपना गोल एक एम्स बनाना चाहिए, चाहे कोई सा भी खेल का मैदान हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, सभी को फोकस करना चाहिए कि अपना जो प्रोपाइजर होता है कि किस तरह मैदान में हमें जाना है। दूसरा ये है कि अभी ये रूरल एरिया है, अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है, सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे खेल मिल सके, अच्छी कोचिंग मिल सके, अच्छे टीचर्स मिल सके। खेल के मैदान अच्छे होंगे तो टीचर्स अच्छे होंगे, जब टीचर्स अच्छे होंगे तभी तो प्लेयर निकलेंगे। कुल मिला के मतलब जो युवा पीढ़ी है उनको आगे बढ़ के खेलना चाहिए, और हालांकि समाज सेवी जैसे साजिद अली हैं, ये बढ़ावा देते हैं इन खेलों को, तो हमेशा ही मतलब ऐसे पिच जो है तैयार होंगे जहां पर नव युवक जो है आगे बढ़ेंगे और खेलों में जो है रुचि रखेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल समीर टूर्नामेंट क्रिकेट का जो है आयोजन रामपुर में यहाँ जुठिया गाँव में किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे ही मैच लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्यू टी वी हमेशा पल पल की आपको ऐसी अपडेट देता रहेगा। और क्यू टी वी की तरफ से एक मैसेज भी है कि हमेशा साजिद अली क्यू टी वी को प्राथमिकता देते हैं और ज्यादातर जो स्टोरी है, जो न्यूज है, वो इस पे ही प्रकाशित होती है, प्रसारण होता है। तो कुल मिला के सभी लोगों से संदेश है कि आप लोग खेलों में रुचि रखें और सेहत बनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, क्यू टी वी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।